गया खैर से बकरा ईद का। और मोहम्मद समीर जो था रोते रोते चुप हो गया। मोहम्मद समीर ये क्या है, मार ना दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? नए दिन का आगाज़ हो गया, काफ़ी दिनों बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो खैर अब रोज़ के रोज़ ब्लॉग बना के अपलोड किया करूँगी। और मैं यहाँ पे आई थी ये कपड़े फैलाने के लिए, और ये जो कपड़े फैलाए ना इसमें इतनी शिद्दत की गर्मी है ना। सूरज साहब सलाम कर रहे हैं सबको, और बड़ी ज़ोरों का कर रहे हैं। रात को बारिश हुई है और कुछ मौसम अच्छा हुआ था हमारे कमरे में। इतनी तपिश है कि मुझे ब्लॉग बनाने का दिल ही नहीं करता है, दिल करता है बस ना मैं छुप के कहीं बैठी रहूँ जहाँ ठंडक हो, मगर कमरे में बिल्कुल भी ठंडक नहीं है। और बिल हमारे आ रहे हैं 9-9, 10-10 हज़ार रुपये के, एक कमरे में रह रहे हैं फिर भी 10 हज़ार का। अल्लाह जाने क्या हो रहा है। खैर अब जो भी हो रहा है इसका भी कोई ना कोई सदुबाव हम निकाल ही लेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन घर साबित करे, कोई जो हमारे लिए बेहतर हो। यहाँ तो मैं बहुत परेशान हो गई बिल दे के, कभी गैस का बिल, कभी पानी का बिल, कभी किसी का। खैर जी आज का दिन आगाज़ करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे बेचारी चीरें भी अपना कोना खुदरा ढूंढ रही हैं कि कहाँ जा कर छुपें। अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, हर जगह रहमत करे। चलो जी नीचे चलते हैं, तो कार भी तप रही है, फिर इधर आ गए हैं। चलो जी, हाँ जी इस वक्त मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, और ये आपको थोड़ा सा किचन मेरा फैला नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये है कि हमारे पानी नहीं आता, मैं वहाँ बैठ के फिर बर्तन धोती हूँ। अब ये सारी जगह मुझे समेटनी है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। चूल्हा मैंने तकरीबन साफ़ कर लिया था, फिर दोबारा से हो गया गंद, इस पर इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता मुझे इन्हीं कामों में, और अभी तक भी खाना सही करना है। मैं बड़ी परेशान हूँ कि मेरे पास रखने के लिए कोई जगह नहीं है, और मिट्टी गिरती है तो सारी चीज़ें तहस नहस मेरे से हो जाती हैं। जना मियाँ जी गुस्से में हैं, बड़ी शिद्दत वाला गुस्सा है, नज़दीक से दिखाते हैं। मुझे देखेंगे भी नहीं पीछे पलट के, मुझे नहीं देखेंगे पीछे पलट के, कितने दूर हैं मेरे से। मैं चल रही हूँ तेज़ तेज़, मेरे से चला ही नहीं जा रहा तेज़। तो खैर जी साया देख रहे हैं, 5 बज गए और धूप कड़ा रही है, तो चलें घर चलते हैं, घर जा के बाकी का काम करते हैं। गया खैर से बकरा ईद का, और मोहम्मद समीर जो था रोते रोते चुप हो गया। मोहम्मद समीर ये क्या है, मार ना दे। मारा मोहम्मद समीर भैया को, मारा हुई लो, बस रोना बंद नहीं तो भय मारेगी। हाँ जी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और साथ मैंने बनाई है मूंग की दाल, ये पक रही है, हल्की आंच पे रख दी है। तो रोटी पका के मैं भाजी बोल रहा हूँ, और आटा भूनना पड़ेगा, देखती हूँ क्या करती हूँ। मेरी आज ना काम में फिर तकलीफ हो गई, पता नहीं क्यों रात में सर में तेल भी लगाया था। चलो ऑयल लगा देते हैं, कल सर धोगी मेरी टांग में ना, सीधी टूटी टांग में कोई मसला हो गया है। कुछ दिनों के बाद उसमें तकलीफ इतनी उठती है कि बर्दाश्त भी नहीं होती है, इतनी तकलीफ होती है। इतना काम से गई थी जगह, वहाँ से आई हूँ, फिर जी हमारे बिल का इशू आ गया है। हमारे बिल जो है बिजली का वो आया 8,907 रुपये के 8 रुपये। एकदम से गर्म लगी ना, दाल हो गई है रेडी, बस रोटी पका रहा हूँ।
हाथ जल गया। क्या कुछ होता है जिंदगी में। आप लोगों को क्या लगता है मैं मोटी हो गई हूँ? तो अगर मोटी हो गई तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, क्योंकि ना मुझे जो देखता है तो कहती है भैया तो पहले स्मार्ट थी, मोटी हो गई है, मुझे तो इतना दुख लग गया मैं फिर तो मोटी हो गई हूँ, मुझे मोटा नहीं होना, मुझे पतला ही रहना है। पतले नहीं फिर आते हैं, इतना मसला हो जाता है। फातिमा फिर से हेल्दी हो गई है और इतनी हेल्दी हो गई कि उसका पुराना जो नाप था ना वो उससे भी डबल हो गई। मैं तो बड़ी परेशान हूँ। गर्मी इतनी शदीद हो गई हुई है कि अल्लाह की पनाह है, अल्लाह ताला पूरी रहमत करे, गर्म करे। आज मैं तो थक गई हूं, आज तो मैं बड़ी थक गई हूं। चलो जी, सुबह मुलाकात होती है, मेरा तो 2-3 दिन का ब्लॉक चलता है डेली का, तो चलो जी सुबह मुलाकात होती है। मैंने सोचा आपको दाल दिखा दूं, आप कहेंगे दाल तो दिखाई नहीं गई, दाल बनाई है मैंने, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और बताइएगा कि अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर रोटी सीख रही है, फटाफट इसको करते हैं। हाँ जी, मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता इस टाइम। मेरे पास कल अम्मी की तरफ थे, हम कल सारा दिन अम्मी की तरफ थे, क्योंकि प्याज का कल प्लस और जो सलाट लगे हुए थे वो उतर गए, जाल जिसे कहते हैं वो उतर गए हैं। तो मोहम्मद इब्राहिम हम लोग उधर गए थे, मगर अभी भी उसको 1 महीने का बेड रेस्ट कहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि इसको बिल्कुल भी चढ़ने के लिए नहीं देना, क्योंकि टांग जो उसकी वो कच्ची है और 1 महीना लगेगा उसको। तो उसको कुछ चीज़ बनने के लिए दी हुई है, वो फ्राइडे को मिलेगी तो मम्मी के साथ जाकर मैं ले आऊँगी। मामू कहते तुम जाकर ले आना मम्मी के साथ, चले ठीक है ले आऊँगी। और ना कल की तरह पहले मैंने दोपहर को कीमा बना लिया था और रात में मैंने चने की दाल और चावल बना लिए थे। सुबह का परेशानी हो रही थी कि सुबह नाश्ता क्या करूँगी, तो वो ये मम्मी ने कहा कि अंडे मंगवा लो, तो अंडे आमलेट बना लेना और साथ पराठे। चलो ठीक है, पैर में इतनी शदीद तकलीफ है, मम्मी ने पैर में कल पट्टी बांध दी है मेरे, तो देखिए टेस्ट डॉक्टर ने लिख कर दिए हैं, जब गुंजाइश बनेगी तो करवाऊँगी। वो कह रहे हैं या तो आपको जोड़ों की तकलीफ हो गई है, दर्द उठी है, या फिर आपको ना घुटों की तकलीफ है। अभी डॉक्टर को खुद कन्फर्म नहीं है कि मुझे आया है क्या, और डॉक्टरों को वाकई नहीं पता होता कि उनको पेशेंट से कैसी ट्रीटमेंट करनी है, क्या नहीं करना है। कि मेरी जो हाथों की हड्डियाँ हैं देखें ऐसे करके तकलीफ होती है, हमें घर के काम तो करने हैं, बर्तन नहीं धो पा रही थी तो आप थोड़े से बर्तन धोए हैं, बाकी बर्तन शाम को मैं धूँगी उधर बैठ के नलके पे, क्योंकि पानी का बहुत मसला हुआ बस, अभी मोटर लगा के ऊपर टैंकी में पानी डाला है। तो अब सांस भी इतना चढ़ना शुरू हो गया, ये डॉक्टर कहते कमज़ोरी हो रही है, तो इसका मतलब जो मैं खोल रही हूँ ना वो कमज़ोरी है। क्यों क्या हुआ? अच्छा जी, बस मैं पराठों के पेड़े बना दूँ फिर चाय बना दूँगी बाद में मैं आके। तो मोहम्मद इब्राहिम लोगों का मैंने ना कंप्यूटर क्लास में एडमिशन करवाया तो वहाँ पे जाना है, तो टीचर ने बुलाया, मैंने मोहम्मद हसनैन का नहीं करवाया था, मोहम्मद इब्राहिम का करवाया था। पूरम नीचे उतरी हूँ दस क्लास है, तो मोहम्मद पूरम ने मुझे कहा कि तुम मोहम्मद हसनैन का भी करवा लेती, तो फिर मैंने उसको भेज दिया, तो वो मुझे जा रही है, मैंने टीचर से भी बात करनी थी। खैर उन्होंने बुलाया तो मैं आ जाती हूँ डिस्कस कर लूँगी, मे बी फीस में 19-20 का फ़र्क फिर कर दें, कोई नहीं बच्चे तो कर लेंगे ना कोर्स। अच्छा जी, मेरी नाश्ते की तैयारी करते हैं, पेड़े बना लिए हैं, दो बड़ों के हैं, दो बच्चों के हैं, एक खाला खालू का और समीर का, मैं आपसे इतना बनाऊँगी। और ये कि मैंने जिसको मैं आती हूँ ना उसको मेरा खुद दिल नहीं करता कि मैं कुछ खाऊँ, तो गर्मी होती है, गर्मी में वैसे ही नहीं खाना होता, दिल ही नहीं करता खाने का कुछ भी। नाश्ता हाँ जी, पराठे बनाने के लिए गर्मी है,
इसका होता तो एक और पेड़ा कर लेती हूँ, नाचते चले जाने में फटाफट से नाचना बनाऊँ लोगों का और चले जाऊँ सबको ले दूँगी इनका रुला ये पैसा हो जाएगा हमारा ये किशन बाबा और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लव कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी हेल्प की सख्त जरूरत है। 1000 कंप्लीट हो गए हैं, 2000 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया मेरी फातिमा जो थी ना माशाल्लाह दोबारा से वही सेहतमंद वही छोटा सा बनती जा रही है। कल समुद्र गए तो उसमें इतना छेड़ा इतना छेड़ा तो अब पता नहीं लगता उसको फिर से क्यों फूल गया है। तो मुझे कहते कि मुझे बाया नहीं करते हैं, मैंने बाया नहीं करना था बेटा, भी आप छोटी हो आप इतनी बड़ी हो कि आपको बाया पहनाया जाए, अभी जो आपके पास है ना कपड़े अभी वही जाओ चादर में जाओ। तो मम्मी कहती मैं इसको बड़ा दुपट्टा ले दूँगी तो बेटियाँ मेरी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, कल वही गिटों में होती है। हाँ जी मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ, कल भी गई थी आज भी जा रही हूँ, आज थोड़ा सा काम था। और ना एक लड़की पता नहीं कौन है अजीब सी, हर वक्त मुझे कहती रहती है मुंह हाथ धोकर तो आया करें। मैंने कह दिया है कि आपकी ड्यूटी है आइंदा से आके मेरा मुंह हाथ आपने धुलाना है, क्योंकि मैं तो मुँह धोती नहीं हूँ, मुँह तो आपने धोया होता है, तभी तो आप गोरी चिट्टी हैं, हम तो बेचारे काले से हैं। ऐसे ही है ना मोहम्मद इब्राहिम? मुझे जब नहीं नहीं ऐसे ही है, ऐसा ही लगता है। चलें जी चलते हैं, लोग कहते रहे हसत करते रहे। जी मोहम्मद हसन क्या कह रहे थे? बोलो ना बोलो ना। और ठीक क्या कह रहे थे? आपने कमेंट किया था क्या कह रहे थे? मैंने बोला था कि वो खुद ही मुंह धोती होगी। हाँ ना वो मुंह नहीं धोती होंगी, हाथ नहीं धोती होंगी, सीधा मुंह मुंह आंखें लिबड़ी हुई। ये देखे जी मोहम्मद हसन बकरा है, इनकी तो दोस्तानियाँ चल पड़ती हैं। इन्होंने अब जानवर देखने जाना है तो मैं तो नहीं जाऊँगी किसी भी कीमत पे, मैं तो मुँह आती नहीं धोती। हाँ जी मैं आ गई हूँ खुरम को नाश्ता दे के, अब घर जा रही हूँ। मोहम्मद इब्राहिम लोगों की टीचर ने बुलाया था तो उन्होंने ये फॉर्म दिए हैं कि फिल करने हैं, तो साथ और सी बिल की टेंशन हो गई हुई थी। और यहाँ पर बहुत करारी धूप निकली हुई है, मैं तो यहाँ जो दीवार है इसके साथ चल चल के जा रही ताकि धूप ना लगे, और पैर में इतनी शदीद तकलीफ़ है ना। हाँ जी मैं जा रही थी एक जगह काम से, तो जिसके लिए मुझे ऑरेंज ट्रेन पे ही जाना था और ऑरेंज ट्रेन से ही वापस आना था, 2 से 3 घंटे का काम था। तो खुर्रम घर पे थे, उनकी तबीयत सही नहीं थी तो उन्होंने मोहम्मद समीर को संभाल लिया था, तो मैंने कहा मैं जाकर फटाफट होकर आती हूँ। तो खैर मैं इंतज़ार कर रही थी ट्रेन का कि ट्रेन आए तो फिर जाऊँ, तो काफ़ी टाइम हो गया हुआ था तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा बस आने वाली है। तो खैर इतनी देर में इसका ऐलान हो गया कि ट्रेन आ रही है, तो बराए करम पीछे हो जाएं, तो ये ले जी ट्रेन आ गई है। तो मैं अब वेट कर रही थी कि ये रुके तो मैं बैठूँ, और मुझे बार बार कन्फ्यूजन होती कि मैं आया कहाँ पर बैठूँ। और ये देखें जी कितना खूबसूरत मंदिर है, बहुत तेज़ धूप थी बशमों के इसके अंदर ट्रेन के अंदर, मौसम कदरे बेहतर था क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा था, और मैं ढूंढती थी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी कि चलो बाहर गर्मी के अंदर तो सुकून है। यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।